ये अंगारों पर चलकर छाती सिर और गाल पीटते हुए बिलख बिलख कर रोकर मातम मनाते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन ने यजीद की क्रूरता के कारण उसे इस्लाम धर्म के शासक के तौर पर मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन और उनके साथियों की इस मुखालफत के लिए जंग का ऐलान किया। वो और उनके परिवार के सदस्यों समेत 72 लोग करबला की इस जंग में शहीद हुए। देखिए, जो इस्लामिक कैलेंडर है उसका जो पहला महीना है वो मुहर्रम का महीना होता है। उस गम में मातम होता है, उस गम में अहले बैत की मुसीबत को बयान किया जाता है, और जब मुसीबत बयान होती है तो लोग गिरिया करते हैं और वो रोया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत जिस दिन हुई वो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, इसलिए हर मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला की घटना को याद कर उन्हीं शहीदों का मातम मनाया जाता है और निशान के तौर पर ताजिया निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो ताजिया कराता है वो इमाम हुसैन की जो रोजे के रिप्लिका है, जो नमूना है, जो मॉडल है, तो उसकी जो नकल होती है उनको हम यहाँ पर उसको ताजिया कहा जाता है। सिया समुदाय इन्हीं कुर्बानियों को याद कर 1400 सालों से मुहर्रम मनाता आ रहा है, जो कई दिनों तक चलता है। एक दिन आग का मातम होता है, एक दिन अक्द जनाब कासिम का मंजर पेश किया जाता है। इसी तरीके से जनाब अब्बास जो कमांडर थे इमाम हुसैन की फौज के, उनकी याद में एक दिन 8 तारीख को दरिया के किनारे मातम होता है और मजलिस होती है। उसके बाद 9 मुहर्रम को सारी मजलिसें होती हैं और 10 मुहर्रम को जुलूस निकलता है, नंगे पैर चला जाता है, जंजीरों का मातम किया जाता है, कमा का मातम किया जाता है। अपने को अजियत देकर उनके गम में इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी उनके गम में शरीक होया जाता है। मातम में बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। कुछ लोग हाथों में जंजीर और हथियार को लेकर मारते हुए खुद को जख्मी तक कर लेते हैं, जो बार बार बस यही कहते हैं, या हुसैन हम होते, या हुसैन हम होते। अच्छा, क्योंकि वहाँ के वो लोग काफी तलवारों से और से जख्मी हुए थे, तो उसकी याद में ये जितने लोग जंजीरों का मातम करते हैं हमारे, वो उसी की याद में कि अपने को जख्मी करते हैं कि हम भी होते अगर वहाँ पर तो इमाम हुसैन की मदद करते, वो उसी तरह से तलवारें और जो चाकू वगैरह वो हमें भी लगते। लोग आमतौर पर काले कपड़े पहनकर और नंगे पांव ही जुलूस में शामिल होते हैं। देखिए, जो हम लोग जंजीरों का खमाओं का मातम करते हैं, इसमें जो हम अपने इमाम का गम मनाते हैं, तो इसमें हमें अपने दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि हम उनका गम मनाते हैं, अपने दिल से शरीक करते हैं अपने आप को, और उसमें जितना भी खून बहा है हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे मनाते हैं ये गम। ये मातम बताता है कि जुल्म के सामने इमाम हुसैन और उनके साथ ही झुके नहीं। उनकी कुर्बानी की याद में हर साल इसी तरह मातम मनाया जाता है।